प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हैं, हम अपने क्रियाकलाप जो कि पाठ 5 से लेकर 8 पर आधारित है के प्रश्न दोहरा रहे हैं और ये है पेज नंबर 68 पेज पे है। आज हमें इसका दूसरा प्रश्न करना था। यह लिंग पे आधारित है, उसके बाद यह वचन पे आधारित है, सर्वनाम पे आधारित है तथा विशेषण पे। तो हमने ये प्रश्न कर रखे हैं, इसका एक तरह से हमारी पुनरावृत्ति हो रही है। तो हम शुरू करते हैं अपना दूसरा प्रश्न और मैं चाहूँगा कि आप अपने व्याकरण के पुस्तक को लेके बैठें और वीडियो देखते समय उसे साथ साथ ही करें। तो शुरू करते हैं अपना दूसरा प्रश्न जो कि है नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में उचित लिंग भरो। तो हमें सही लिंग का चुनाव करना है तथा वाक्य को पूरा करना है और जो दिए गए रिक्त स्थान है उसको भर करके वाक्य को पूरा करना। तो शुरू करते हैं अपना दूसरा प्रश्न। प्रश्न 2, नीचे दिए गए रिक्त स्थान स्थानों में उचित लिंग भरो। स्थान दिया है, नाचती है। हमें दो विकल्प दिए हैं, पहला है मोर, दूसरा मोरनी। तो बच्चों हमें पता है मोर पुलिंग है, मोरनी स्त्रीलिंग है। तो हम नाचती है किसमें लगाते हैं, जो क्रिया का रूप नाचती है किसमें लगाते हैं, स्त्रीलिंग में। आपने सही कहा, हम नाचती है जो क्रिया है वह स्त्रीलिंग में लगाते हैं। तो हम लिखेंगे मोरनी नाचती है, हमारा सही विकल्प है मोरनी। हम जरा इसे जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि ये आप पहली बार नहीं कर रहे, लिंग आपने पढ़ रखा है। मैंने इसको अपनी तरफ से अभ्यास प्रश्न दिए थे और ये क्रियाकलाप के प्रश्न हैं, ये जो बहुत सरल है। तो इसलिए हम जरा जल्दी जल्दी आगे के प्रश्नों को करेंगे। ख है रिस्थान, नाच रहा है। इसमें है नर्तकी दूसरा विकल्प है नर्तक। हम जानते हैं नर्तकी स्त्रीलिंग है, नर्तक पुल्लिंग है, तो नर्तक सभी विकल्प है, लिखेंगे नर्तक। रिक्तस्थान जंगल का राजा है, विकल्प हमारे पास दो हैं, शेर और शेरनी। ध, हम जानते हैं जंगल का कौन राजा है, शेरनी स्त्रीलिंग है, शेर पुलिंग, तो शेर ही जंगल का राजा हो सकता है। शेर अगला है रिक्तस्थान, राखी बांधती है, राखी
बांधती है। पहला विकल्प है भाई और दूसरा विकल्प है बहन। हमें पता है बांधती है, बहन है, क्रिया का रूप से ही पता चलता है, तो लिखेंगे बहन। हमारा अंतिम वाक्य है रिक्त स्थान पूजा कर रही है। रिक्त स्थान दिया है पूजा कर रही हैं। बच्चे यहाँ हैं पुस्तक में हैं लगाना भूल गए, हम अपने बड़ों को आदर प्रकट करने के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं, तो इधर हैं होगा दादाजी और दादी, विकल्प हमारे पास दो है दादाजी और दूसरा है दादी, तो हम जानते हैं सही विकल्प है दादी। दादी जी पूजा कर रही हैं, यहाँ पे इसका ध्यान दीजिएगा हैं लगा हुआ है, हमारे पाठ्य पुस्तक में छूट गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिएगा। तीसरा प्रश्न है एक ही मात्रा लगाकर वचन बन, तो हमें यहाँ पे एक ही मात्रा लगाकर एक वचन को बहुवचन में बदल देना है। एक बार इसको दोहरा लेते हैं, मेरे ख्याल से आप साथ साथ कर रहे हैं। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में उचित लिंग भरो, हमें उचित लिंग का चुनाव करना है। मोरनी नाचती है, सही है, मोर नहीं होगा, नाचती है जो क्रिया का रूप बताता है कि यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द होगा, तो मोरनी नाचती है। नर्तक नाच रहा है, नाच रहा है क्रिया का रूप बताता है कि ये पुलिंग के लिए, तो नर्तक पुलिंग होता है ना कि नर्तकी, नर्तकी स्त्रीलिंग है। शेर जंगल का राजा है, विकल्प था शेर शेरनी, राजा शेर। बहन राखी बांधती है, बांधती है से हमें पता चल गया कि क्रिया स्त्रीलिंग की है, तो बहन। दादी जी पूजा कर रही हैं, तो पूजा कर रही हैं ये स्त्रीलिंग है, रही है, रही हैं से पता चला कि क्रिया के रूप से हमें पता चला कि यहाँ तो स्त्रीलिंग होगा, तो दादी जी स्त्रीलिंग है, हमने लिख दिया। अगला है हमारा तीसरा है, ये बहुत आसान है। हमारा तीसरा प्रश्न एक ही मात्रा लगाकर वचन बदलो, एक ही मात्रा, एक स्वर है आपको पता है, एक ही मात्रा हमें पता है, एक ही मात्रा लगाकर, मात्रा लगाकर वचन बदलो, वचन बदलो। पहला है हमें दे रखा है पौधा पहले शब्दों को लिख लेते हैं, एक वचन को लिख लेते हैं, बाद में बहुवचन को लिखेंगे। कुत्ता घोड़ा गमला और पैसे, यहां पे है मुर्गा केला, अगला है बेटा चूहा
बगीचा। तो शुरू करते हैं, हमें एक ही मात्रा लगानी है, दे रखा है। तो बच्चों इन शब्दों में एक ही मात्रा लगाने से वह एक वचन से बहुवचन हो जाएगा। तो पहला शब्द है हमारा पौधा, पौधा का बहुवचन होता है पौधे। तो हम ध पे एक ही मात्रा लगाएंगे, आ की मात्रा हटा दी जाएगी। फिर से एक बार देखो, ध्यान से समझिए, एक ही मात्रा लगाकर बहुवचन बनाते समय हम जो आ की मात्रा दी जाती है आखिरी वर्ण जो अंतिम वर्ण होता है उसमें आ की मात्रा जो दी जाती है उसे हटाकर हम एक ही मात्रा लगाते हैं। जैसे पौधा का ही देख लीजिए, पौधा का हो जाएगा पौधे। तो जो ध पे आ की मात्रा था हमने उसको हटा दिया और एक ही मात्रा लगा दी, तो पौधा का पौधे। उसी तरह कुत्ता का हमने आ की मात्रा हटा दी है, कुत्ता में हमने आ की मात्रा हटा दी है और एक ही मात्रा लगा दी। तो ये नियम होता है, जब हम एक वचन को बहुवचन में बदल रहे हैं आखिरी वर्ण में जो आ की मात्रा है उसको हटा करके हम एक ही मात्रा लगा करके उसको बहुवचन बनाते हैं। तो तीसरा शब्द है घोड़ा। ठीक उसी तरह घोड़ा का घोड़े, गमला का आ की मात्रा हमने हटा दी और एक ही मात्रा लगा दी, गमले। पैसा का पैसे, पैसे। तो बहुत आसान है, ठीक उसी तरह इसमें भी कोई फर्क नहीं है, आ की मात्रा हमने हटानी है। ये हमने देखे सारे पुलिंग शब्द थे, ध्यान दिया होगा आपने। तो ये है नियम, अगर हम पुलिंग शब्द को बहुवचन बनाना चाहते हैं तो हम उसके आखिरी वर्ण से आ की मात्रा हटा करके एक ही मात्रा लगाएंगे तो वो बहुवचन हो जाएगा। तो मुर्गा एक पुलिंग शब्द है, हमने उसमें से आ की मात्रा हटाई और इसकी मात्रा डाली, एक ही मात्रा लगाई, तो मुर्गे। केला, केला में ल से हमने आ की मात्रा हटाई और एक ही मात्रा लगा दी। ठीक उसी तरह बेटा, बेटा का बेटे। चूहा का चूहे और बगीचा का बगीचे। इसको एक बार और से हम देख लेते हैं, मुश्किल नहीं है। पौधा, पौधे, कुत्ता, कुत्ते, घोड़ा, घोड़े, गमला, गमले, पैसा, पैसे, मुर्गा, मुर्गे, केला, केले, बेटा, बेटे, चूहा, चूहे, बगीचा, बगीचे। अब हम अपने चौथे प्रश्न पे चलते हैं। तो इसमें हमें वचन का उचित शब्द से वाक्य पूरे करो, तो हमें सही वचन के शब्द को संज्ञा को चुनना है और वाक्य को पूरा करना है। तो शुरू करते हैं अपना चौथा प्रश्न। प्रश्न चार, उचित शब्द से वाक्य पूरे करो, पहला वाक्य है। रिक्शा से शुरू हो रहा है, मेज पर, मेज पर
है, कौन कौन से शब्द दिए हैं हम लोग देखते हैं, पुस्तक और पुस्तक, पुस्तक पुस्तक, तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं इसके अंदर वचन, हम जानते हैं वचन क्रिया, जो वचन है वह क्रिया के रूप के अनुसार होता है, कर्ता के रूप के अनुसार होता है, यहाँ जो संज्ञा या कर्ता के रूप के अनुसार होता है। तो हम वचन हम देख, वचन हमें पता है, हमें अब क्या करना है कर्ता या संज्ञा का सही रूप छाटना है, इसको बदल नहीं सकते हम, क्रिया को तो नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ क्रिया के अनुसार कर्ता का वचन हमें बदलना है। हम जानते ही हैं, मैंने आपको बताया था क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होती है, जो क्रिया है वो कर्ता के वचन और लिंग के अनुसार होती है। अगर हमें क्रिया दिया हुआ है, अब क्रिया तो बदल नहीं सकते, हम कर्ता का वचन या लिंग चुन सकते हैं, यहाँ लिंग की बात की गई है, यहाँ पे वचन की बात की गई है, एक वचन और बहुवचन, पुस्तक एक वचन है, पुस्तकें बहुवचन है, तो पर है तो एक वचन है, ऐसे हमें पता चलता है कि यह यहाँ पे कर्ता एक वचन होनी चाहिए, तो लिखेंगे पुस्तक मेज पर, पुस्तक मेज पर है, दूसरा वाक्य रिक्त स्थान में अध्यापक अध्यापक पढ़ा रहे हैं, दिया है शब्द कक्षा, दूसरा है कक्षाएं, कक्षाएं हम फिर देख रहे हैं क्रिया पे देख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे हैं लिया हुआ है, ध्यान दीजिए बच्चों, तो इससे क्या पता चलता है कि क्रिया बहुवचन की, तो यहाँ पे बहुवचन शब्द कौन सा है, कक्षा की कक्षाएं, आपने सही पहचाना, कक्षाएं ही बहुवचन, तो हम लिखेंगे कक्षाएं में अध्यापक पढ़ा रहे हैं, कक्षाएं में अध्यापक पढ़ा रहे हैं। अगला है पक्षियां, पक्षियां उसके बाद है पर बैठी है, पर बैठी है शाखा, शाखाएं, शाखा शाखाओं, पक्षियाँ रिक्त स्थान पर बैठी हैं, तो हमें देख रहे हमें पता चलता है यहाँ कर्ता पक्षियाँ रिक्त स्थान पर बैठी हैं, तो यहाँ पे क्या होगा बैठी हैं, तो इससे क्या पता चलता है कि यह एक वचन होगा, पक्षियाँ शाखा पर बैठी हैं, इससे पता चला कि यह एक वचन, तो शाखा लिखेंगे हम शाखा, पक्षियां शाखा पर बैठी है, अगला है रिक्त स्थान दिया है, घर की शान होती है, घर की शान होती है,
होती हैं। पहला है बेटी, दूसरा बेटी, बेटी बेटियां, तो हम चलते हैं। इसमें पता चल रहा है रिक्त स्थान घर की शान होती हैं बहुवचन के लिए प्रयोग करते हैं तो बेटियां, बेटियां घर की शान होती है, एक वचन में नहीं होगा, बेटियां बेटियां घर की शान होती है। हमारा एक अंतिम वाक्य है, इसको भी कर लेते हैं बच्चों। मनुष्य की दो रिक्त स्थान होती हैं, आंख और आंखें दिया हुआ पहला शब्द है आंख, फिर आंखें, तो वाक्य से ही पढ़ने से हमें पता चल जाता है, हम पहले उसकी क्रिया देखते हैं, क्रिया से ही हमें पता चल जाता है मनुष्य की दो रिक्त स्थान होती हैं मतलब बहुवचन, यहाँ पे बहुवचन वाला शब्द लिखना है, तो आंखें बहुवचन है, हम लिखेंगे आंखें, तो ये बहुत ही सरल था। इस प्रश्न को हमने किया कैसे, पहले एक बार देख लेते हैं हमने इस प्रश्न को किया कैसे। हम जानते हैं कि बच्चों हमें यहाँ पे वचन के यहाँ एक वचन या बहुवचन दो शब्द दिए गए थे, उसमें से सही वचन का चुनाव करना है। हम जानते ही हैं कि वाक्य में जो क्रिया है वो किसके अनुसार होती है, कर्ता के या संज्ञा के वचन या लिंग के अनुसार। तो यहाँ लिंग की बात नहीं की गई, यहाँ वचन की बात की गई है। तो हमने देखा कि हम क्रिया का पहले क्रिया को पहचानेंगे और क्रिया से हमें पता चल जाता है कि कर्ता एक वचन है या बहुवचन। जैसे हमें है से पता चल गया कि यहाँ पे संज्ञा या कर्ता एक वचन है, तो एक वचन पुस्तक, पुस्तकें, पुस्तक ही एक वचन है। तो सबसे पहले हमने क्रिया को देखना है, क्रिया के रूप को देखना है और उसी के अनुसार कर्ता या संज्ञा का वचन छांटना है। जैसे इसमें अध्यापक पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे हैं बहुवचन है, तो कक्षाएं बहुवचन रूप है, पक्षियां शाखा पर बैठी है, तो यहाँ पे बैठी है मतलब शाखा एक पर, घर की शान होती हैं मतलब बहुवचन, तो बेटी बेटियां कौन बहुवचन है, बेटियां बहुवचन, बेटियां घर की शान होती हैं। मनुष्य की दो होती हैं आंख, आंखें हैं से हमें पता चलता है कि बहुवचन रूप शब्द होगा यहाँ पे, तो आंखें, मनुष्य की दो आंखें होती हैं, मैंने ये छोड़ दिया, बिंदी लगानी है, तो ये अगर न नहीं लगाया तो बहुवचन रूप नहीं होगा, तो मनुष्य की दो आंखें होती हैं। तो ये था हमारा चौथा प्रश्न, और हमारा पांचवा प्रश्न बहुत ही सरल है, अब हम उसको करते हैं। निम्न शब्दों, निम्न वाक्यों में सर्वनाम भरो, और सबसे अच्छी बात है कि इस प्रश्न में कोई विकल्प नहीं दिया, हमने सर्वनाम को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा है, हम इसे कर लेंगे चाहे विकल्प दिया हो या ना दिया हो। तो बच्चों परीक्षा में भी आपको इस तरह तैयार रहना है कि अगर विकल्प नहीं दिया है तभी भी आप कर सको, और ये मुश्किल नहीं है क्योंकि हमने इसका अभ्यास बहुत किया है सर्वनाम का। तो आगे चलते हैं अपने पांचवें प्रश्न पर।
निम्न वाक्यों में सर्वनाम भरो। लिखा है प्रश्न पांच, निम्न वाक्यों में सर्वनाम भरो। सर्वनाम भरो, पहला है क, रिक्त स्थान कल आऊंगा, कल आऊंगा, तो यहां पे पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। कौन सा? मैं, बोलने वाले के लिए आएगा, मैं कल आऊंगा। यहां पे हम तुम नहीं लगा सकते, वह नहीं लगा सकते, केवल बोलने वाले द्वारा प्रयोग किया गया सर्वनाम ही लग सकता है। मैं कल आऊंगा। ह रिक्त स्थान दिया है, कल मिलेंगे, कल मिलेंगे, बच्चे यहां पे होगा यहां पे मिलेंगे, तो यहां पे हम लिखेंगे हम कल मिलेंगे, क्योंकि यहां प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है। यहां पे प्रश्नवाचक अब होता तो मैं सही कर देता हूं, मैं कल लाऊंगा पूर्ण विराम, हम कल मिलेंगे। दो है हमारा, जो है कल आ जाना। कईयों में बच्चों जब ऐसा विकल्प नहीं दिया होता है तो दो हो सकते, दो सर्वनाम भी सही आ सकते हैं, जैसे ये है हमारा कल आ जाना, आप कल आ जाना, तुम कल आ जाना, ये दोनों ही सही हैं। आप कल आ जाना, आप भी हो सकता है, तुम भी हो सकते, तो दोनों में से विकल्प, दोनों विकल्प सही। घ है रिक्त स्थान दिया है, कब आएंगे, वह भी हो सकता है, यहां पे आप भी सही है और वह भी सही है। आप कब आएंगे, वह कब आएंगे, दोनों ही सही। अगला है रिक्त स्थान क्या कर रहे हैं, क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा है। हम आप नहीं लिख सकते, तुम भी गलत है, वही सही है। तो बच्चों इसी तरह हमें सही सर्वनाम का प्रयोग करना है। कुछ वाक्यों में जब विकल्प नहीं दिया रहता है, एक से अधिक भी हो सकते हैं, जैसे हमने आपको बताया आप और वह, आप और तुम, इसमें हम प्रयोग कर सकते हैं। तो जो शेष बचे हैं उन्हें हम कल करेंगे, बहुत ही सरल है। तो आज के लिए बस इतना है।